इस वक्त की बात करें तो भाई आदमपुर में उपचुनाव का जो वक्त वो बच चुका है पूरी तरीके से, और जो कैंडिडेट है अपने अपने दावा ठोक रहे हैं और लगातार डोर टू डोर गांव में जाके वोट की अपील कर रहे हैं। और वहीं से अब आज की बात करें तो हम सलीमगढ़ से जा रहे थे खारिया की तरफ, तो हमें एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी यहाँ पे, एक सफ़ेद रंग की दिखा रहा है काम करे बैग, वो सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है खेतों के अंदर। तो सड़क पे जैसे खेतों के ऊपर खेतों के अंदर हमने जो गाड़ी है तो यहाँ पे कुछ बस कहते ना दौड़े को पटियाले वह दिखे हमने नज़र आए, और वह देख कर हम भी रुकी एक बार मैं देखा इनका बातचीत करा कौन से अड़ा पहुँच रहे हैं कौन से दौड़े को पटियाले हैं, एक बार इनका जरूर बातचीत करांगे एक बार भाई। तो एक बार जो भी साथी है मेरे साथ है एक बार, तो नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्ण नांगली टोहाना। अच्छा जी। पूर्व चेयरमैन फतेहाबाद जिला परिषद। अच्छा जी, कौन सी पार्टी से संपर्क करते हो? मैं कांग्रेस से, टीम दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, टीम दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा जी, खेतों में पहुंच दिए जी। खेतों में क्या जमा, हर आदमी के एक एक घर एक एक क्वार्टर में, चार चार मंजिल उसमें भी जाएंगे। अच्छा, ये टीम दीपेंद्र बहुत मजबूत टीम है। अच्छा, सबके साथ सबका विकास, सबके पास जाएंगे एक एक आदमी के पास, चाहे कोई कपास उगने वाला, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके पास जाएंगे जी। जैसे आज आप खेतों में पहुंच रहे हैं वोटों की अपील करने के लिए, आप आज जो ग्रामीणों के पास पहुंचे हो, तो क्या जीत के बाद भी यहाँ पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ का प्रभारी है जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी पूरे आदमपुर के पूरा इशार लोकसभा की उसकी जिम्मेवारी है, वो आते रहेंगे सुख दुख में, पहले भी आते रहे हैं, इसीलिए तो आज जन समर्थन मिल रहा है। टीम दीपेंद्र बहुत मजबूत है, चाहे बाढ़ संबंध की बात करो आप, धरना में एक दुख सुख में आने वाले दीपेंद्र और जयप्रकाश जी थे और पूरी टीम कांग्रेस टीम, चाहे दिल्ली की बात किसान आंदोलन के लिए, ये तो हमारा परिवार बरगा है, इसमें तो ज़्यादा दूर नहीं आदमपुर, तो दिल्ली लगनी रुके हो तो। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जो JPA 2009 के बाद अब नजर आए हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब बकवासबाजी, पूछ के देखो आप लोगों के सुख दुख में यहाँ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा समय कम लग गया था क्योंकि कुलदीप की जिम्मेवारी थी यहाँ कांग्रेस की, कुलदीप ने संभाला नहीं, बाकी जयप्रकाश तो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कल तक तो कुलदीप भी कांग्रेस में थे, वही गुण गा रहे थे, और आज फिर वह एक कहते ना पहले तो मोदी के लनू कर दिया, फलाना हो गया, और आज उसी के बाद जाके गोद में बैठ गया, उसको क्या कहना चाहूँगा? लोग समझदार है सारे कांग्रेस के ही है, चाहे सत्येंद्र लगा लो, चाहे कुलदीप लगा लो, चाहे जयप्रकाश लगा लो, कूड़ाराम भी सारे कांग्रेसी है, फिर लोग समझदार है, कांग्रेस को ही वोट दे देंगे, अलग अलग क्यों जाएंगे? या तो वह बात होगी बोले मेरी सासू कोया कह दे घी खाएगी, कोया कह दे दूध पीएगी, कोया कह दे मलाई खाएगी, बोले बेटी कच्चा दूध पी लिया अगर सारी सजेगी। कारण क्या है जो कांग्रेस में तो ये बाजे हैं, जो कारण तो बता दीजिए। कारण तो बस लोगों की इनको कोई संभाल नहीं, अपना दुख अपना स्वार्थ ईडी के डर से लगा लो, या हमारा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी बनाए उसकी जलन लगा लो भाई मेरे को बनाया जाए, लेकिन गरीब लोगों से बू आने लगी है इसको। हाँ कुलदीप जी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए ज्यादा नाराज थे भाई, इसको उदयवान को न बनाया जाए। सत्येंद्र भी तो कांग्रेस से गए हैं, और बात कर ले तो अब करोड़ा राम जी भी कांग्रेस से गए, वो क्यों नहीं गए जी? वो इसीलिए टिकट मांगे सारे। अच्छा जी। और जनाधार थे नहीं, जिसका जनाधार होगा देखो उसी को टिकट मिलेगी, टिकट तो एक को ही मिलनी है, वो टिकट के लायक थे नहीं, वोट तो उन पर है नहीं, और बात बड़ी बड़ी का हल्का कैसे संभाल लेंगे, ये तो एक दो छोटा मोटा भाई चलो 5-7 हज़ार वोटा के थे, अब लोग इतने जागरूक हो गए जिसकी आर है उसमें वोट नहीं डालेंगे, 1500-1500 रुपये रह लेंगे, आर जीत में ही वोट डालते, दो ही जगह वोट आएंगे BJP और कांग्रेस के। लगातार आप गांव में जा रहे हो, खेतों में भी जा रहे हो, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बहुत बढ़िया, मन लग रहा है, खुशी है, 3 तारीख लग यही चलता रहेगा। सब लोग दूर से ही बोल देते, आधा किला दूर से जयप्रकाश के देंगे, उनको पता नहीं भाई हम जयप्रकाश की टीम है किसकी है, बोलते हैं जयप्रकाश को कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कितने हज़ार वोटों से जीत मान रहे हो अपनी? आज तो 15,000 से है, देखो बढ़ेगी कम नहीं होगी। अच्छा, हाँ तो भाई ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद, इनसे बातचीत कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, किसको वोट देना पसंद करते हो जी आप? जयप्रकाश को देंगे। जयप्रकाश में ऐसे क्या देखा आप उसको वोट देंगे? लिया उनमें तो देखना हो वो इनमें छोड़ के जान दरा मान दो। जयप्रकाश तो अडांदे नहीं जिन्नो 2009 में आया था चाहिए भाई हैं। तो आ जाएगा आगा आ जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या चीज देखी कि आप जयप्रकाश को ही वोट देंगे, कांग्रेस का ही वोट देंगे? हवाई होगी मार काम की सारी। अच्छा जी। कि कुलदीप को क्यों नहीं देते वोट? कुलदीप तो आपका लोकल है। कुलदीप तो आया नहीं, कुलदीप का पिताजी भजनलाल है, वो आया करता दुख सुख में बैठ के भी जानता करता। अच्छा। और ये तो संभाले नहीं। तो फिर भजनलाल ने जैसे काम करके भजनलाल का भी तो ना आप वोट दे सकते हो? भजनलाल तो कोई नहीं संभाले तो कौन, कोई आगे तो कौन चल। अच्छा,
देख चिन्ह फिर गांव का विकास कैसे कर रहा है? सुनिया सुनिया कुलदीप है, कुलदीप है तो कदी को नहीं आया अपने गांव में। अच्छा जी, कोई विकास नहीं हो रहा गांव ना? कोई विकास नहीं। अच्छा, ये किन मुद्दे पर आप वोट देना पसंद करोगे? ये भी तो जयप्रकाश के पसंद करेगा। अच्छा, क्या कार्य है आप उम्मीद लगा रखी है जयप्रकाश मारे वो कर सकते करेगा? यो कर सकते हैं, हुड्डा साहब भी बड़ी आदमी है, बहुत ही बड़ी आदमी है। अच्छा, हाँ जिसको तो आपने तो मन मना लिया? हाँ मन में मना लिया। किसी का दबाव है अपने? अपन कोई दबाव नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो है, नई पार्टी आई उसको भी तो दे सकते हो? ना ना, आम आदमी पार्टी खड़े दिल्ली में करे अपन कौन आओगे। नमस्कार। हाँ जी, किसको वोट देना पसंद करूंगे आप? जेपी देंगे भाई। जेपी में सके देखिए, जेपी दे हमें तो वोट सारे मार तो दूर बाड़ू परिवार का माहौल यो हो रहा है। बाड़ू गांव का जो बहुत दूर किमी हो चाहे क्या का हो चाहे हमने संभाला का इतनी मारा किन से यो कौन संभालता बिस्नो ये ना यो कौन संभालता अन जमा तो बहुत लिया हमें तो आ देख बुड्ढे तो होगी इसने देख दे रही बात लास्ट जाने जेपी देखाए। अच्छा नहीं, कुलदीप तनु का मैंने काम बहुत ज्यादा करवा रखे, बहुत ज्यादा विकास करवा रखे। किमी कौन करवा रखा? कुलदीप ने कर दी मारी खराब माटी जमा। किस तरीके से? सारे तरीके से कर दी जमींदार का माहौल मत किमी दिया है कोनी हने। अच्छा जी, कुछ नहीं दिया। कुछ कौन दिया? खाद दी ने, बीज ले आन गए तो बीज दिया ने, सागी बीज आया और किमी नकली बीज आ गया, नकली खाद आ गई, लोगों ने बेच दी, हमने बैंक में खाद कौन मिली तो हम करांगे के। अच्छा, मैंने समा सारा सोता देर के ना हमने किमी कौन दिया? अच्छा, हमें जमा तंग हो रहे थे कुलदीप ने। भजन लाल ने भी तो अच्छे काम कराए थे। हाँ घने अच्छे कराए थे, तुमने दिया कर दे। अच्छा, तो उसके के लीव कौन दिया? जैसे हमें कुछ ग्रामीणों से बातचीत करी और वोटों की अपील करने के लिए आए थे उनसे भी हमें बातचीत करी, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में सभ्य शब्द के साथ राय जरूर देना। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।